हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, डॉग्स के ऊपर टिक्स आ जाते हैं, मेंजिस आ जाती है, माइट्स आ जाती है और फ्लीज आ जाती है। और बेसिकली मेंजिस जो होती है वो दो टाइप की आ जाती है, लाइक डेमोडेक्टिक मेंज आ गई या सार्कोप्टिक मेंज आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जिस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं इनको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट। बेसिकली इनको हम ये बोलेंगे कि एक्टोपैरासाइट्स फाउंड ऑन अ डॉग, या कैनाइन के अंदर भी हम इनको बोल सकते हैं, जो कैनाइन और फेलाइन यानी डॉग और कैट दोनों को इफेक्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के लिए ना आपने एक मेडिसिन सुनी होगी, एमिट्राज। अब ये एमिट्राज क्या है, इसका कैसे हमें यूज करना है, इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, क्या इसकी डोज रेट रहेगी, हमें कितनी बार यूज करना है, इससे रिगार्डिंग और कोई मेडिसिन है वो भी हमें सजेस्ट कर दीजिए, तो कंप्लीटली आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस, मैं आशा करूंगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि मुझे इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये एमिट्राज है, दो फॉर्म में आपको मिलता है। एक तो प्रिवेंटिव कॉलर की फॉर्म में आएगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। सेकंड नंबर पे एज ए रिड की फॉर्म में आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये शीशी होती है जो कि 60 ml में आती है, RIDD लिखा हुआ है इसके ऊपर। बेसिकली इसके अंदर एमिट्राज होता है जो कि डीप कंसंट्रेशन करके इसके ऊपर कुछ मेंशन होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो गाइस, ये मेडिसिन है एमिट्राज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एमिट्राज है, कहीं पे भी आप YouTube पे भी देखोगे तो आपको हर कोई इसके बारे में सजेशन दे रहा है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आपको इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सजेशन दे रहा हूं इस मेडिसिन के यूज करने से पहले, अगर आप सभी प्रोसेसेस को फॉलो कर चुके हो, यानी एमिट्राज से पहले जो प्रोसेसेस होते हैं, जो टिक्स को मारने के, उनको किल करने के, उनको भगाने के, डिवॉर्मिंग वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह, अगर आपने कंप्लीटली सभी वर्क कर लिया है फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप इस एमिट्राज की तरफ आ सकते हो। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस, एक जो बोलते हैं ना मेडिसिन, एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर डॉग लीक कर ले तो डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली अभी साइड इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको YouTube पे और कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ हमारा चैनल ही आपके डॉग्स के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक टाइप का लिक्विड आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सेकंड एक प्रिवेंटिव कॉलर है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेता हूं, इसका यूज क्या होगा, जो हमारे जो बेसिकली जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए। तो जैसे ये टिक्स को भगाएगा, मेंजिस को भगाएगा, माइट्स को भगाएगा, लेकिन इसका एक नुकसान है, ये फ्लीज को नहीं भगाएगा। तो फ्लीज जब ये भागेगी नहीं, तो फ्लीज को तो वाइज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अदर वे से, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करके, लेकिन टिक्स माइट्स के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है। तो अब मैं बात करता हूं इसके साइड इफेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले तो गाइज, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके डॉग के जो हेयर, जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा रफ हो जाएगी, यानी जो हेयर है वो रफ हो जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स थोड़े डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में गाइज, जो शाइनिंग होती है ना, हमारे जो एक शाइनिंग होती है हेयर्स की, जो जो बोलते हैं ना हम, जिसको फेदर बोलते हैं, या बेसिकली जो एक कोट होता है, तो उसके अंदर ना शाइनिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और साथ में गाइज, आपके डॉग में सीजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, कई बार तो क्या होता है कि आपके डॉग की डेथ भी हो जाती है। तो तभी मैं बोलता हूं कि कोई भी ऐसी खतरनाक मेडिसिन है, आपको ऐसे ही नहीं कोई भी यूट्यूब चैनल से देख के अपने डॉग के ऊपर अप्लाई कर देनी है। आपको सबसे पहले अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, उस मेडिसिन के ऊपर अच्छे से चर्चा करनी है, फिर अपने अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए उसका यूज करना है एक अच्छे एक वे से। तो आज की वीडियो में मैं आपको वे भी बताऊंगा कि किस वे में आपको इसका यूज करना चाहिए। तो बेसिकली साइड इफेक्ट के अंदर एक आपको साइड इफेक्ट देखने को यह मिलेगा, आपके डॉग का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा। तो डाउन आने की वजह से आपका डॉग बिल्कुल ही ठंडा ठंडा फील करेगा, यानी एज ए हम बोलते हैं ना, सर्दियों में तो थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है वैसा फील करेगा, आईज से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, नोज से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल ही वो कई बार ना एक्सेसिव पेंटिंग जिसे हम बोल लेते हैं, यानी ज्यादा हांफता है ना कुत्ता, मतलब हा हा करके ऐसे चलता रहता है, तो उस सिचुएशन में भी इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट रहता है एमिट्राज का। और साथ में गाइस, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, आपके डॉग के ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है बहुत ही ज्यादा हाई अप चला जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपको बॉडी टेम्परेचर डिग्रीज, जैसा कि अभी मैंने बताया, और साथ में गाइस सेडेशन भी देखने को मिलेगा। आपका डॉग मतलब एक अलग ही दुनिया में पड़ा रहेगा इसके यूज करने के बाद, क्योंकि वो दवाई ना उसके माइंड पे इफेक्ट करेगी, बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे ऐसे टकराता हुआ भी चल सकता है, यानी जिसे हम बोलते हैं ना सर घूम रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहते हैं साइड इफेक्ट। तो गाइस, साइड इफेक्ट
आएंगे, कोई भी मेडिसिन यूज कर लो आप, कोई भी मेडिसिन यूज करोगे तो उसका एक ना एक साइड इफेक्ट तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन गाइज हमें प्रॉब्लम से भी तो छुटकारा चाहिए, तो प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए तो मेडिसिन का तो यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो मेडिसिन का यूज करेंगे तो ये एमिट्राज बेस्ट रहेगा तभी, अगर आपके वेटनरी डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है तो। खुद से ही उठा के मत करने लग जाना यूज भाई, दिक्कत हो सकती है बिकॉज इसमें साइड इफेक्ट में डेथ भी देखा गया है। तो गाइज अब मैं बात करता हूं आपको इसको कैसे यूज करना है। तो बेसिकली गाइज सबसे पहले तो एक लिक्विड की फॉर्म में आता है, जैसा कि मैंने रिड बताया आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 60 ml की फॉर्म में आता है, इसके अंदर साल्ट एमिट्राज ही होता है। तो बेसिकली गाइज अगर आपके डॉग की बॉडी के ऊपर टिक्स है, टिक्स यानी चीचड़ है जिसको हम पिस्सू भी बोल देते हैं, तो बेसिकली गाइज ये जो टिक्स होते हैं, चीचड़ होते हैं, इनके ऊपर एमिट्राज वर्क कैसे करता है, वर्क करता है उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज करके। जैसे वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे, वैसे ही फॉल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको इसका अप्लाई कैसे करना है ये बता रहा हूं और डोज रेट भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको कोई भी बेंजाइल परोक्साइड जिसमें साल्ट हो एक शैम्पू लेना है, अच्छे से आपको क्लीन कर देना है अपने डॉग को, फिर आपको 5 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो सूख जाए। आपको गाइस कोई गीले कपड़े से या बेसिकली कोई सूखे कपड़े से ऐसे रगड़ रगड़ के उसको बिल्कुल साफ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल उसे स्मूथली छोड़ दीजिए, सनलाइट में छोड़ दीजिए, वो अपने आप सूख जाएगा। फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि अगर आपके डॉग के हेयर ज्यादा बड़े हैं तो उनको कट कर दीजिए, उनको शेव कर दीजिए। और साथ में गाइस आपको ये भी देखना है कि जब आप इस मेडिसिन को अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसी भी टॉवल का यूज नहीं करना, कोई भी आपको क्लोथ का यूज नहीं करना, यानी आप बिल्कुल हैंड से ही अप्लाई करोगे जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और साथ में गाइस आपको बेसिकली अगर मैं बात करता हूं इसके टॉवल के यूज करने की, कोई भी अदर कपड़े के यूज करने की, जैसे ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी 1 से 2 महीने, 1 से 2 हफ्ते तक ये जो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको ना तो अपने डॉग को कॉम्बिंग करनी है, ना ही आपको कोई ब्रशिंग करनी है, और ना ही उसके हेयर्स को ऐसे हाथों से बिल्कुल बिखेर बिखेर के देखना कि भाई टिक्स कहां गए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले आप शैम्पू से अच्छे से क्लीन कर दीजिए, फिर उसको सुखा दीजिए, फिर आपको क्या करना है गाइज पानी लेना है 1 लीटर, 1 लीटर पानी में आपको 2 ml मिला देना है इसको, यानी रिड को। तो बेसिकली गाइज ये है टिक्स के लिए, अभी बताऊंगा कि मेंस के लिए क्या डोज रेट रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माउथ को कवर कर लेना है, एक मास्क लगा लेना, अभी कोरोना काल चला हुआ था तो मास्क आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो मास्क लगा लेना आप, ठीक है। तो मास्क के बाद गाइज आपको क्या करना है, हाथ में ग्लव्स डाल लेने हैं। तो गाइज आपको शीशी दिख रही होगी जैसा कि स्क्रीन पे, ये रिड की एक शीशी है, इसको आपको 1 लीटर पानी में मिला देना है, फिर गाइज आपको अपने डॉग के ऊपर अप्लाई कर देना है अच्छे से। ध्यान रहे डॉग की आईज में ना जाने पाए, उसके ईयर्स में ना जाने पाए, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका डॉग उसे लिक ना कर ले। लिकिंग से बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने डॉग की नेक के ऊपर एलिजाबेथ कॉलर बांध देनी है जिसकी हेल्प से आपका डॉग उसको लिक नहीं कर पाएगा। तो गाइस आपको ये अप्लाई कर देना और आपको ऐसे ही उसे छोड़ देना है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि चलो मैं अप्लाई तो इसे कर लूंगा, लेकिन एक हफ्ते में मुझे हमारे डॉग को कितनी बार ये देना है, कितनी बार अप्लाई करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हफ्ते में आप 2 से 3 बार इसका यूज कर सकते हो, और बेसिकली इसका आप 3 से 4 महीने तक भी यूज कर सकते हो, लेकिन होप्स और रिजल्ट देखा गया है कि 2 से 3 बार यूज करने पे ही आपके डॉग के टिक्स वगैरह फॉल हो जाते हैं, आपका डॉग बच जाता है। अब मैं बात करता हूं गाइस मेंज की, ठीक है। मेंज होता है अलग, जो कि सार्कोप्टिक मेंज और डेमोडेक्टिक मेंज आती है। तो मेंज की अगर मैं बात करता हूं तो मेंज में भी आपको 1 लीटर पानी डालना है, लेकिन उसके अंदर 3 से 4 ml आपको ये रिड का यूज करना है। अब मेंज ना बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज कर देती है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी फोटोग्राफ की, डॉग की बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अगर आप इस सिचुएशन में आपको 1 लीटर में 3 से 4 ml आप डालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मैं किसी भी फार्मेसी की शॉप से ले सकता हूं, तो मैं खुद से क्यों नहीं परचेज कर सकता। तो बेसिकली गाइज इसका आंसर ये है, ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा यानी खतरनाक जिसे हम बोल देते हैं वो होती है। अगर आपके डॉग ने गलती से इसको इनगल्फ कर लिया, इसको खा लिया, तो आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। और बेसिकली इस मेडिसिन को गाइज आपको अपने बच्चों से दूर रखना है, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है, सूखी जगह पर रखना है इसको, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, ये खतरनाक
डिजीज मेडिसिन होती है, तो बेसिकली इसके यही एक प्रिवेंशन को टिप्स रहते हैं कि आपको अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह पर ही इसका यूज करना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, एक आती है गाइस कोलर। तो बेसिकली ये कोलर क्या होती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एमिट्रास की ही कोलर आती है। इसको पता है गाइस क्या होता है, आप ना 4 से 5 महीने तक ना डॉग की नेक के ऊपर बांध के रखो। ये क्या करेगा, आपके डॉग को टिक्स से बचाएगा, मेंजिस से बचाएगा और जो माइट्स होती है और फ्लीज होती है उनसे भी बचाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है, अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और 3 से 4 महीने बाद इसको रिप्लेस करना है एक बार अप्लाई करने के बाद, बिकॉज इसका अच्छा रिजल्ट है तो काफी लंबे टाइम तक ये चलता ही रहता है। लेकिन गाइस अगर आपके डॉग को इरिटेशन हो रही है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। अगर आप नहला रहे हो आपके डॉग को तो उससे पहले ही आपको इसको रिमूव कर देना है, फिर जैसे ही वो सूख जाएगा फिर आपको इस कॉलर को बांध देना है। आप विद जो एक गले का जो पट्टा होता है ना उसके साथ में आप इसको बांध सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो फॉर्म में आता है, जैसा कि मैंने बताया कि एमिट्रास एक लिक्विड की फॉर्म में है जो कि रिड है, और सेकंड ये कॉलर की फॉर्म है। देखो गाइस वीडियो बहुत लंबी है मैं मानता हूं, बिकॉज लंबी वीडियो देखना आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये जो डिजीज, ये जो ड्रग ही ऐसी है, ये जो कंडीशन ही ऐसी है, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरे एक होल एक पूरे ग्राफ लेवल पे आपके डॉग को इफेक्ट करती है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से इसके नॉलेज में रखोगे, तो गाइस आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो टिक्स का, और आपका डॉग अच्छा भी हो सकता है और टिक्स से छुटकारा पा सकता है पूरी लाइफ के दौरान। तो एंड में एक बात कहना चाहूंगा गाइस, डॉग की पूरी लाइफ के दौरान आपको उसकी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन प्रॉपर एक वे से करनी है, ताकि आपका डॉग विभिन्न तरह की बीमारियों से बच सके। तो गाइस एक चीज और आपको ध्यान देनी है, वो क्या है गाइस, आपको लैक्टेटिंग एनिमल्स के अंदर, यानी जो मदर अपने पपीज को दूध पिला रही है उनको नहीं देनी है ये डिजीज। ये बेसिकली जो ड्रग है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आपके उस डॉग को इफेक्ट करेगी जो कि प्रेग्नेंट एनिमल है या लैक्टेटिंग एनिमल है। और बच्चों से दूर रखना है, बच्चों से दूर का मतलब जो पपीज जो होते हैं उनसे भी दूर रखना है, और अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी दूर रखना है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा डेंजरस ये एक ड्रग होती है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है। तो गाइस मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो गाइस होप सो आपको समझ में भी आया होगा, जो कि मैंने इतना लंबा छोटा भाषण दिया है वो आपके ही आपके लिए दिया है, ताकि आप गलती ना करो। तो गाइस मैं आशा करूंगा जो भी आज की हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और अगर कोई गलती हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।